नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनीता के ब्लॉग में। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं हम चूल्हे पे मटकी में दाल और चावल। तो कैसा स्वाद रहेगा मटकी के अंदर दाल का और चावल का, चलिए दिखाते हैं आपको। तो चलिए छत पे चलते हैं। तो दोस्तों इतना अंधेरा हो चुका है, देख लीजिए। तो चलिए चूल्हा जलाते हैं और दाल पकाते हैं। तो दोस्तों हम ये मटकी धो लेते हैं बढ़िया से। देखिए दोस्तों खूब अच्छे से मटकी को धो लिया है। इसमें जो थोड़ी बहुत कुछ लगा होगा मिट्टी उट्टी तो निकल जाएगा। देखिए दोस्तों हमारी हंडिया धुल गई है मटकी। अब ये देखिए हम दाल थोड़ा सा दाल धो लेते हैं। इसी में दाल थोड़ी देर हम भिगा के रख देते हैं। तब तक दोस्तों इसमें हम हांडी में मट्टी लगा लेते हैं। दोस्तों देखिए इसमें मट्टी लगा लेते हैं, थोड़ा मोटा मोटा ही लगाएंगे ताकि आंच से मेरी मट्टी फटे ना। दोस्तों आसान नहीं होता है, गांव की तरह अगर कुछ खाने का आपका मन है तो उसको बनाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो लेकिन स्वाद दोगुना होता है दोस्तों, आप मटकी में दाल बना के खाइए, स्वाद दोगुना हो जाएगा। इतनी मट्टी देखिए हमने लगा ली है। दोस्तों देखिए दाल पक रही है कि नहीं, तो ये देखिए दोस्तों अभी खोलना शुरू हुई है, अभी धीरे धीरे खोल रही है। दोस्तों अभी तो पानी गर्म ही हुआ है। दाल के बाद रोटी बनेगी क्या? रोटी भी बना लेंगे, आग भी अच्छी है। लकड़ी पे रोटी खाए बहुत दिन हो गए, मटकी में पकाने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है। और ये देखिए हम लोग थोड़ा थोड़ा ये झंगोरा डाल डाल के पका रहे हैं क्योंकि मोटी लकड़ी धीमे जल रही है और धीमे जलानी भी है क्योंकि मटकी है। तो दोस्तों बना लेते हैं। चलिए शुक्र है हमारी मटकी तो कुछ हुआ नहीं, पक रहा है। और पसीना देखिए, देखिए आप पसीना देखिए कितना गर्मी लग रहा है दोस्तों। देखिए इतना इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, कृपा करिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए। देखिए दोस्तों दाल कितना बढ़िया उबल रहा है, ये देखिए आँच भी अच्छी जल रही है और दाल भी मेरी हंडिया में उबल गई। जैसा कि हमको डर लग रहा था कि हंडिया में कोई दिक्कत हो जाएगा, लेकिन ठीक है सही रहा, कुछ हुआ नहीं। तो अभी से पकने देते हैं और तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से आग जली है। फुकनी भी कह रहे हैं कब से बना के दे दीजिए, फुकनी भी नहीं बना के दे रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों जब तक दाल पकती है तो सुनाते हैं आपको एक कहानी और। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम तीन सहेलियां पक्के दोस्त थे और हमेशा साथ ही रहते थे, तो आज हम तीनों की फिर एक कहानी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग घूम रहे थे तो हमें एक आंटी जी की बाउंड्री में एक पेड़ दिखा अमरूद का, उसमें क्या बड़े बड़े अमरूद लगे थे और देख के जी ललचा गया। तो हमने क्या किया, चलो आ तोड़ते हैं। तो हमने क्या, तीन सहेली थे तो हमने क्या किया कि हम दो तो तेज थे, मैं और गुड्डो, और जो शांति थी वो थोड़ी सी सुस्त टाइप की थी। तो हमने कहा कि ये सुस्त है, इसको पहले चढ़ा देते हैं। तो हमने उसको पेड़ पे पहले चढ़ा दिया, बाउंड्री को फांदा और उसके बाद उसको पेड़ पे चढ़ा दिया। उसके पे वो सबसे ऊपर हो गई और हम उसके पीछे पीछे हम लोग चढ़ गए। तो ठीक है जी, हमने तो अमरूद तोड़ लिए और ढेर सारे झोले में भी भर लिए। इतने में आंटी जी को कहीं से आहट हुई कि कोई अमरूद तोड़ रहा है। आंटी जी ने बाहर देखा और चिल्लाया जोर से। अब हम इतनी जल्दी तो उतर नहीं सकते थे, लेकिन जब तक वो हम उतरते आंटी जी फ्राई पैन लेकर आ गई, फ्राई पैन जिसमें आमलेट बनाते हैं वो लेकर आ गई। और हम तो तेज थे ही दोनों, हम तो उतर के भागे और शांति ऊपर ही लटकी रह गई। फिर उसको उतारा, शांति को उतारा गया और इतने फ्राई पैन उसके मारे, इतने फ्राई पैन मारे दोस्तों, फिर उसको ले जाके आंटी ने अंदर बंद कर दिया। हम तो भाग चुके थे। फिर हमने कहा अरे यार हमारी तो दोस्त बंद हो गई, अब क्या होगा, बच्चे तो थे ही, डर गए हम लोग। हम गए शांति की मम्मी के पास, हमने सारी बात बता दी, आंटी आंटी हम लोग ऐसे अमरूद तोड़ रहे थे और आंटी जी ने उनको बंद कर दिया है। तो शांति की मम्मी और पापा गए छुड़ाने। तो भाई अंदर गए, अंदर बातचीत करी, कहा बच्चे हैं नादान हैं करके उसको कहा कि छोड़ दीजिए। तो आंटी जी ने कहा ठीक है मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन एक ही शर्त पर छोड़ूंगी, जब तक वो दोनों नहीं आएंगी। हाय भगवान, उस समय तो बहुत बुरा हाल था, मतलब हम दोनों के बदले में वो छूटेगी।
तो उन्होंने कहा कि वो दोनों पता नहीं कहाँ गई हैं, कैसे हम मतलब पकड़े उनको, तो भाग गई होंगी और क्या करें, आप छोड़ दीजिए इसको शांति को। कह रही नहीं, जब तक वो दोनों नहीं आएंगी तब तक ये नहीं छूटेगी। बड़ा बहस हुआ जी, बड़ी लड़ाई हुई, हम दोनों को बाहर पता भी लगा ये बात है, तो हम दोनों ने राय आपस में बिठाई कि देखो दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी, ये पिक्चर का डायलॉग है। तो हमने कहा चलो चलते हैं, क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा, एक फ्राई पैन ही तो पड़ेंगे। हमने अपनी दोस्त की खातिर हम चले गए, हमने कहा ठीक है आ गए हम लोग, अब छोड़ दीजिए इसको। तो कह रही हाँ छोड़ेंगे, लेकिन तुम इधर आओ पहले। एक एक हम दोनों के भी पड़ा कस कस के फ्राई पैन, उसके बाद तीनों को उठक बैठक कराई गई, कान पकड़वाए गए, उसके बाद हम लोगों को छोड़ा गया दोस्तों। लेकिन हम इतने शरारती थे कि दोस्तों हमने कहा ठीक है यार, तो हमने आपको छोड़ दिया, लेकिन आपके जब तक हम ये सारे पेड़ के अमरूद नहीं तोड़ देंगे हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। इतने बदतमीज़ थे। तो दोस्तों बचपन की कहानियाँ तो आपको कैसी लगी, क्योंकि इससे भी अच्छी अच्छी मज़ेदार कहानियाँ हैं हमारी ज़िंदगी की, तो आपको मैं सुनाती जाऊँगी। चलिए दाल देख लेते हैं दोस्तों, पकी कि नहीं, गला नहीं, देखो स्वाद लेना है तो सजा लेनी है, स्वाद लेना है तो सजा भुगतनी है। क्या है कि मेहनत तो लगती है भाई, स्वाद खाएंगे तो मेहनत तो लगी थी, बिना मेहनत के कहाँ काम बनने वाला, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों, मेहनत करते हैं तभी कुछ मिलता है। तो दोस्तों बगल में बर्थडे हो रहा है, गाना बज रहा है तारा रारा, वहाँ तो वहाँ बढ़िया बर्थडे मना के तारा रारा कर रहे हैं, हम चूल्हे में जला के देखो तारा रारा हो रहे हैं पसीने से। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं, जब तक धीमे धीमे पकता है, रोटी भी बनाना है, चावल भी बनाना है अभी, तो देखिए कब तक बनता है खाना। सुनीता जी आटा सान रही हैं, अब इसके बाद रोटी बनाएंगे। दोस्तों आटा सान रहे हैं हम, देखिए आटा सान लिया हमने, अब इसको रोटी बनाएंगे दोस्तों। देखिए दाल हमारा पका कि नहीं, दोस्तों दाल लग रहा पक गया है, ये देखिए दाल एकदम गल गई है, दाल एकदम गल गया है दोस्तों, अब उतार देते हैं इसको। दाल गल गई, स्वामी उतारी भाई, हमें उतार दे, आज बहुत तेज है कैसे। तो देखिए दोस्तों दाल एकदम गल गया है, दिखाइए जी, देखिए दिखाइए दाल, लाइए मोबाइल, देखिए दोस्तों दाल कैसे खोल रहा है, उतारने के बाद भी पक रही है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों उतारने के बाद भी दाल अभी खोल ही रही है, अच्छे से गल गई है। चलिए हमारा दाल तो हो गया है, तो रोटी बना लेते हैं दोस्तों। दोस्तों रोटी बना रहे हैं, रोटी इधर हो गया दोस्तों, अभी सीखते हैं। ये देखिए रोटी, देखिए दोस्तों कितना बढ़िया रोटी फूला है, ये देखिए पका लेते हैं थोड़ा, ये देखिए इतना अच्छा रोटी बना है, ये रोटी हरक देते हैं पहले, तो बनाते हैं बढ़िया बढ़िया रोटी बना है सब इस पे, ये देखिए मुलायम है एकदम। तो दोस्तों किसी दिन हम आपको हाथ की भी रोटी बना के दिखाएंगे, जो पानी लगा के ऐसे ऐसे करके बनती है, हमारी मम्मी नानी दादी बनाया करती थी हाथ से, ऐसे ऐसे बनती, बड़ी अच्छी बनती है और बड़ी स्वाद भी लगती है। तो लिट्टी बोलते हैं, हाँ लिट्टी, मोटी रोटी बोलो, लिट्टी बोलो, कुछ भी बोलो। तो दोस्तों ये मेरी आखिरी रोटी है, सारी रोटियाँ बन गई दोस्तों, लास्ट रोटी बची है, इसे हम सेक लेते हैं आँच पे, देखिए आँच कितना बढ़िया है, ये देखिए दोस्तों अभी फूलेगी बढ़िया से, ये देखिए कितना बढ़िया फूल गई है, ये देखिए दोस्तों रोटी फूल गई गोलगप्पे की तरह ना स्वामी। चलिए ये तो हमारा हो गया कंप्लीट, रोटी बन गई है दोस्तों, बढ़िया मोटी रोटी सेक ली हम लोगों ने, खाने में बड़ी स्वाद आएगी। दोस्तों रोटी बन गई हमारी, रोटी बन गई, ये मोटी रोटी है और दाल बन गया दोस्तों, देखिए चूल्हे पे हलिया में दाल और रोटी, तो बन गया हमारा खाना दोस्तों। तो आप लोग से गुजारिश दोस्तों, अब आज का ब्लॉग यहीं तक, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रणाम।